हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम अपने जौनपुर की दूसरी साइड पे आए हैं, जो कि प्रसाद कॉलेज के पास बन रही है, होटल बन रहा है। तो यहाँ पे एक जो हमारी बैक स्टेयर थी वो काफ़ी दिनों से कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। कभी मेजरमेंट की गड़बड़ी से हो जा रहा था, तो कभी जो सीढ़ी थी वो उसकी हाइट कम हो जा रही थी। तो जैसे कि अगर आप लोग भाई गलती नहीं करना चाहते हैं, तो जो प्लान में दिया है, जैसा दिया है, जो भी मेजरमेंट है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ले चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सोचेंगे कि अपने हिसाब से ले चलें, तो ये गलती हो सकती है, उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है ठेकेदार का, और भाई जो शटरिंग का ठेकेदार है उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपको भी स्टेयर जल्दी कंप्लीट करना चाहेंगे आप लोग, लेकिन अगर ऐसे ही बिना प्लान के चलेंगे, प्लान के विपरीत चलेंगे, तो वो सब चीज़ें जो हैं कि आपको फेस करनी पड़ेंगी। जो जो प्लान में दिया है, जो राइजर का मेजरमेंट है, जो स्टेयर के लैंडिंग का मेजरमेंट है, वही लेके चलिए, या अपने अपने अनुसार मत चलिए, या किसी और के बताया गया है उस पर ना चला जाए। तो ये थोड़ा स्टेयर का जो काम होता है, शटरिंग भी, और उसमें जो स्टेप्स निकाले जाते हैं, वो भी बहुत टफ़ होता है। बिल्डिंग में स्टेयर का ही काम जो है सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि इसको सभी लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं, इसको करने में बहुत समय लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो ये स्टेयर राउंड लेते हुए गई है, इसी को शटरिंग करने में बहुत दिक्कतें आई हैं, तो फाइनली आज ये कम्प्लीट हो गया है पूरा, जैसे एज इट इज प्लान के थ्रू जैसा दिया गया है वैसा एकदम सेम टू सेम ये सब चीज़ें जो है कि ये सीढ़ी जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, चेक भी हो गई है। तो अब हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये बारिश के कारण जो है कि सारे जो वर्कर्स के झुग्गी वगैरह बनाए गए थे वो सब गिर चुके हैं। तो हालांकि हमारे पास एक छत पड़ चुकी है, तो सारे वर्कर्स अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो आइए, जो ये स्टेयर शटरिंग किया है वो कॉन्ट्रेक्टर हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं, कैसे इस स्टेयर को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, कैसे इसको आगे, मतलब जो भी दिक्कतें आई उसको कैसे सॉल्व किया। इनको जहाँ भी दिक्कत आई हमसे पूछे इन्होंने, तो हमने इनको बताया, और आज ये पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया है। जैसा देख सकते हैं कि ऊपर वो लोग खड़े हुए हैं, हम आपकी भी बात कराएंगे। देखिए, पीछे देख रहे हैं, हमारा एक छत पड़ चुका है, तो लेबर इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, और जो पीछे देखे थे आप लोगों ने, वो गिर चुका है, उसको अब हम लोग डिमोलिश, तो बारिश के ही थ्रू हो चुका है, अब आगे उसमें उसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ जो पिंक शर्ट में है सियाराम है, और जो चेक शर्ट में है यहाँ अजीत मौर्या जी हैं। तो सियाराम जी, बताइए आपने इस सीढ़ी का शटरिंग कैसे किया है, क्या क्या दिक्कतें फेस किया? शटरिंग में ये दिक्कत था कि प्लान के हिसाब से थोड़ा टूट गए थे हम, दोबारा फिर प्लान के हिसाब से चले, फिर भी नहीं बैठी, इसको दो तीन चक्कर में काफ़ी मस्कस के साथ किए जो है कि सीढ़ी को हमने यहाँ तक लेके आया। अब तीसरी राउंड में प्रयास बहुत किया, लेकिन कामयाबी हो गया, सीढ़ी जो है जिस तरह प्लान में है उस तरह अपनी जगह कायम हो गया हूँ। तो क्यों गड़बड़ी क्यों हो रही थी तीन बार? गड़बड़ी हो रही थी कि काफ़ी राउंडिंग है, इसलिए जो है कि बहुत काफ़ी दिक्कत दे रहा थी, बैठ नहीं पा रहा था, तो सीधा रहता तो क्या कि तो एक ही घंटे हो जाता। ये इतनी काफ़ी माथा पच्ची वाला ये सीढ़ियाँ हैं कि जो बहुत काफ़ी दिक्कत आ गई हाथ से ज़्यादा। ऐसा कह सकते हैं कि बिल्डिंग में जो भी है, ये सीढ़ी का काम जो सबसे टफ काम है, जल्दी सबके बस का नहीं है। बिल्डिंग में तो सर ये तो कहा जा सकता है कि ये बहुत काफ़ी अनुभवी जो काम किया होगा वो उसी बस का है, और कोई इसे हथौड़े पकड़ लिया और कारीगर बन गया, ये काम धाम लोग बांधते हैं, ऐसे आदमी लोग को बस का नहीं है। ये जो सीढ़िया जो है ना, बहुत काफ़ी टिपिकल है, बहुत काफ़ी दिमाग खर्च करते हैं और पड़ता है। तो आप जेएमएस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हैं? जी, मैं जेएमएस कंपनी से खैर शुरू से ही है, अभी हमारी करीब 15 साल से ऊपर हो गया इसमें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो काम है ऊपर चल रहा है, ऊपर जो शटरिंग का काम है हो चुका है, और स्टेयर का काम चल रहा है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ कि ये जो हमारा एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, ओपन एरिया, ये पूरा
ये वहाँ से लेके पूरा यहाँ पीछे तक ये हमारा स्लैब जो है कि एक्सटेंड होने वाला है। स्लैब हमारा इधर आएगा, आप देख सकते हैं सब कॉलम्स कॉलम वगैरह निकाल दिए गए हैं, देख रहे हैं ब्लाइंस सारा कॉलम पूरा फुटिंग का कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अब कॉलम कास्टिंग करना बाकी है। तो ये छत हमारा यहाँ से पड़ेगा, वो जो जहाँ से रैंप आने वाला है ये छत पूरा वहाँ से लेकर पूरा ये पूरी छत पड़ेगी। आप समझ लीजिए कि 100 फीट के लगभग है ये, 100 फीट हमारा लंबा छत है। तो ये 100 फीट बाई 10 फीट इधर मिलेगा और आगे आपको मिलेगा करीब 15-20 फीट का। तो ये पूरा छत हमारा फिर से पड़ने वाला है, मतलब इस छत के साथ जो आप ऊपर देख रहे हैं शटरिंग लगा हुआ है, इस छत के साथ इसको भी ढालना है। तो ऊपर स्टील का काम चल रहा है, इधर फुटिंग का काम हो चुका है, कॉलम कास्टिंग करना है। कॉलम कास्टिंग करने के बाद ये जो हमारा छत है डबल हाइटेड हो जाएगा। ये हमारा रैंप बन रहा है जो कि गाड़ी पार्किंग के लिए, तो एक तरफ से रैंप भी हम रख लेंगे, ऊपर हमारा जो हॉल है वो हॉल की एरिया बढ़ जाएगी। तो अभी इधर यही एक्सटेंशन है। तो आप देख रहे हैं ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम इसमें बढ़ने हैं। तो 7 कॉलम जो है कि 7 कॉलम की फुटिंग हो चुकी है, बारिश की वजह से सारा फुटिंग जो है भर गया है पानी से। तो तराई के लिए भी अच्छा है लेकिन काम के लिए डिले हो जाएगा इसमें। तो अभी पानी निकाल के इस पर हम कॉलम कास्टिंग करेंगे MRE। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये रैम्प की स्टील निकली हुई है, रैम्प के लिए निकाली गई है। यहाँ से छत पड़ेगा पूरा ये डबल हाइटेड, ये पूरा ऐसे इधर यहाँ तक छत पड़ेगा, यहाँ से वहाँ तक। ये हमारा छत जो है कि जो स्लैब पड़ेगा ये डबल हाइटेड हो जाएगा। हिंदी में बोलने की आदत हो गई है, यहाँ पे कॉलेज में थे तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह यूज करते थे, यहाँ पे क्या है लेबर मिस्त्री से बात करना हिंदी में पड़ता है, तो हिंदी में बात करते करते आदत हो गई है। छत, कॉलम, पिलर, जुड़ाई, प्लास्टर, यही सब इसमें मतलब भाई निकल जाता है फ्लो में, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि काम तो है, दोनों हमको यूज़ करना पड़ता है। प्रोफेशनली इंग्लिश भी बोलना पड़ता है, नॉन प्रोफेशनली हम हिंदी भी बोलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग हैं जौनपुर में, यहाँ पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वच्छ गोमती निर्मल गोमती, यही ना हो, स्वच्छ गोमती निर्मल गोमती इस प्रोजेक्ट का ऐसा टैगलाइन दिया गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया, काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे एक टैंक बनाया गया है। एक ही टैंक नहीं है, काफ़ी सारे टैंक हैं, दो है, दूसरा है इसके पीछे भी, राइट साइड में भी है। फिर आप देख सकते हैं, आपको ये बड़ा वाला हमने दिखा ही दिया, ये देख सकते हैं पूरा ये राउंड में इतना है अभी। हालांकि इसकी पूरी डिटेल हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी इसका ओपनिंग हुआ नहीं है। और ये सारे पंप हाउस वगैरह हैं, इसमें सारा पानी प्योरीफाई होता है, क्लीन होता है। और सब सारे देख रहे हैं उधर एक और टैंक उधर है, और उधर ऑफिस बनी है, मतलब पंप हाउस वगैरह इधर सब है। तो वो काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है जो कि वेस्टेज पानी है। वेस्टेज यानी कि वो सीवर का पानी है, जो सीवर का पानी है यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, इसको प्योरीफाई किया जाता है, फिर इसको अभी कहाँ इसको सप्लाई करेंगे या क्या करेंगे वो सब सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं। तो जैसे ही एक प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो इसका निरीक्षण करने योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, तो CM हमारे CM जो हैं योगी आदित्यनाथ जी वो इसका निरीक्षण करने आए हुए थे, इसका निरीक्षण करके गए हैं। तो अभी ये पूरा तो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें आगे काम चल रहा है, तो इस वजह से इसको अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। जैसे ही इसका उद्घाटन होगा इसकी सारी डिटेल जो होंगी हम आपको बताएंगे सबसे लेके। बाकी आप देख सकते हैं इधर पंप वगैरह है सब। आप इधर यहाँ से गोमती नदी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, इधर ही गोमती नदी है। तो इसी गोमती नदी को स्वच्छ करने के लिए यहाँ पे जो है उसका पानी इकट्ठा किया जा रहा है, और सीवर का भी पानी इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ से इसको पूरा प्योरीफाई करके अच्छे तरीके से जो कि है pH वैल्यू जो पानी का होना चाहिए वही रहेगा। तो उसको कहाँ सप्लाई करेंगे क्या करेंगे वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा।
जब इसका उद्घाटन हमारे पीएम सर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें इसकी टैंक की कैपेसिटी क्या है, कितने लीटर पानी आता है, किसमें कितने लीटर पानी इसमें इकट्ठा होता है, और इसका प्योरीफाई कितने प्रोसेस से, कितने प्रोसेस के थ्रू इस वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, क्या किया जाता है, ये पानी कहाँ सप्लाई होगा, किसके लिए किस यूज़ में आएगा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों को बताई जाएंगी जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तब। इसलिए अभी मैं इसको आपको एक लुक दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकें जौनपुर में एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो जल्द ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब जो भी समय लगे इसको कंप्लीट होने में, महीना, दो महीना, डेढ़ महीना, जो भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसको सारा सब कुछ जो जानकारी होगी आप लोगों तक पहुँच ही जाएंगी मीडिया के थ्रू, लेकिन हम भी उसमें बता देंगे आप लोग। आप देख सकते हैं दो दो बड़े बड़े डीजी लगे हुए हैं। ये सब है, इधर स्टाफ का रूम है और इधर एक और पंप मशीनरी है जहाँ पे प्योरीफाई होता है, ये भी लिक्विफायर वाला पंप यहाँ पे है, रूम है ये भी, मतलब लिक्विफायर का दोनों रूम है, रूम वन रूम टू, बाकी वो पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है। और ये आपको देख रहे हैं सबसे बड़ा जो टैंक है ये पूरा ये वाला एरिया है, ये सबसे बड़ा टैंक है, पूरा सीसी से बनाया गया है अच्छी तरीके से।